भाजी, मैं चरणजीत सिंह जीसीए टाइम से आपके लिए आ रहा हूँ, लाइव करेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है 205 द्वारका का, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक दिन भर रहता है। पैदल चलने वाले बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये 2-4-5 दिन पहले ही, ये पीछे मेरे ये जो नाला अभी कुछ टाइम, हाँ महीना भर पहले टूट गया है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं इसके तरफ। मैं प्रशासन को ये दिखाना चाहता हूँ, और मैं जो यहाँ से लोग जो शहर के निकलते हैं, बाई चांस जो इस रोड के ऊपर चले तो वो भी कहते हैं हमें डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। तो भाई साहब आप अपना बताइए, मास्क गुप्ता निवासी हूँ। हम लोग यहाँ से रोज जाते हैं, जगह जगह फुटपाथ छुटा हुआ है, कहीं से भी गवर्नमेंट उतना पैसा लेती है, कहते कि यहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ इन्वेस्ट किया, कहीं पर कोई सुविधा नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर सड़क पार कर सकते हैं उसकी जगह की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क पर जो बीच के सेंट्रल फुटपाथ हैं वो भी सब टूटे हुए हैं, अगर पार करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से कहीं पार नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर चलने से मुझे लगता है डर लगेगा। बिल्कुल लगेगा, मेरी जगह आप होंगे तो आप भी तो हम इसके ऊपर खड़े जुड़ रहे हैं, पर डर लग रहा है मुझे कहीं ये गिर ना जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए कुछ भी। जगह जगह ऐसी रोड है, वहाँ भी चलने से सभी को डर लगता है। ऐसा लगता है कि इस रोड पे अगर चल के मेन रोड से ही और इस रोड पे ना जाऊँ। जगह जगह यहाँ पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं और जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। बॉडी का ढेर लगे हुए जी, थोड़ी के ढेर लगे हुए। आने वाला पीछे बारिश में भी यहाँ बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, जो पानी गलत फुटपाथ है तो जगह ही है। आप सेंटर की जो लाइन देखिए, सेंटर की लाइन टूटी हुई है, आपको सड़क को क्रॉस करने का आप कैसे क्रॉस करेंगे? प्रशासन को कुछ कहना चाहिए? बहुत ध्यान देना चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए। प्रशासन वैसे कहते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो रोड टूट हुई है इसको भी इसकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की जान की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सेक्टर 19 के निवासी जो यहाँ से सैर करते हैं, उनके बाद के ऊपर थोड़ा बोला नहीं कर सकता है, तो ये जो पीछे हाल पीछे हो ये भी हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।